जय हिंद। देखिए, चीन के राष्ट्रपति को लगता था कि वो गलवान के एरिया में घुस जाएंगे और भारत पे दादागिरी दिखा के वो चले जाएंगे और भारत चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। उन्हें लग रहा था ये 1962 का भारत है, लेकिन ये तो 2020 का है। यहाँ मोदी जी उसका छक्का छुड़ा दिए। अभी वो बेचारा परेशान है कि हम कहाँ जाके फंस गए। एक के बाद एक बेचारे को टेंशन देखने को मिल रहा है गलवान वाले एरिया में। चीन ने तो पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया और माइक से बताया कि भारतीय सैनिक आप चले जाइए, ठंड का दिन आएगा तो आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, आपको ऊंचाई सह नहीं पाएंगे। जबकि भारतीय सैनिकों को तो सहने की आदत थी ऊंचाई, उल्टे हुआ उल्टा और चाइना के सैनिक ठंड से मर गया था। अब तक 40-42 सैनिक चाइना के ना ठंडा से मर गया था। और बेचारा चाइना वाला परेशान है कि भारतीयों को क्यों नहीं कुछ हो रहा है। जबकि भारतीय सैनिकों को तो 1984 से ही अरसे एक लंबे अरसे से सियाचिन जैसे ठंडे दुर्गम में एवं ऊंचाई पर लड़ने का आदत है। भारतीय सैनिक आधा धंस के भी बर्फ में आराम से ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करना छोड़िए, हम लोग तो 1984 जब टेक्नोलॉजी नहीं रहता तब तो पाकिस्तान को हराए थे ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। तो भारत को एक लंबा अनुभव है, लेकिन चाइनीजों के लिए ये चीज़ एकदम नया है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए गले की हड्डी बन गई है। चाइनीज सब का ही हाल हो गया है कि अपने साथ एक सियार लेके घूम रहा है, सब आगे सियार को चला रहा है कि कहीं बर्फ वर्फ होगा तो सियार धंस जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। मतलब इतना डर गया सब। चाइनीजों में ये डर खत्म करने के लिए चाइना की सेना ने आदेश दिया है कि सुबह दोपहर शाम तीन टाइम अपना राष्ट्रीय गान गाओ, चाओ माओ जो गाता है सब, ताकि थोड़ा उत्साह बढ़े। और भारतीयों को देखो कैसे डट के खड़े हैं, सो आधा बर्फ में धंस के सियार लेके घूम रहा है। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा इनका प्रोपेगेंडा अब चलेगा भारत के ऊपर। देखिए, जो पैंगसो लेक है उसमें अगर ये रेड वाला एरिया देखेंगे तो ये चाइना का एरिया है। ये फिंगर फोर है जो उस साइड में है, चाइना यहाँ पे कब्जा करके बैठा है। और ये रेड वाला एरिया यहाँ टैंक लगाया है। भारत ने होशियार किया कि ब्लैक टॉप पर्वत जिसके हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं, ये ग्रीन वाले एरिया पे भारत ने अपने लगा दिए हैं टैंक्स वगैरह सब कुछ। अब ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है, हाइट से हम लोग यहाँ आराम से देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और भारत ने अपने टैंक्स को पीछे लगा के रखा है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब वहां से चाइनीज हमको बैनर पर लिख के दिखा रहा है सब कि तुम किस एरिया में हो, चाइना के एरिया में हो। तो पहले भारतीयों को दिखाते थे, अब भारत वाले दिखा रहे हैं सब कि भाई तुम चाइना के एरिया में नहीं, तुम इंडिया के एरिया में हो। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि भारत वाला बैनर दिखा रहा है। यहां भारत वाले एक गलती कर रहा है सब। भारतीय सेना को दिखाना चाहिए ना कि आप तिब्बत देश में हो, तो इससे और दिक्कत हो जाता है भाई, उनको दिमाग खराब हो जाता है वहां पर कि भाई ये सभी तिब्बत का मामला कहां से उठा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे तो तिब्बत के, लेकिन भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो तो भारत का एरिया कि तिब्बत का तो है नहीं, तो भारत ने तो वहां तिब्बती फौज को भी लगा दिया था वहां पर। अब ये जो झील है, चाइना ने इस झील में टैंक्स लगाने चालू किए। ऐसे टैंक होते हैं, इन्हें एम्फीबियन टैंक कहा जाता है, ये पानी में भी चल जाते हैं, जमीन पे भी चल जाते हैं। तो भारत ने भी यहां पे एम्फीबियन टैंक उतार दिया, इससे खतरनाक चाइना का बुखार उतारने के लिए भारत ने मार्कोप्स कमांडो को लगा दिया। अरे भाई साहब, ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि अपने साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब रखे रहता है सर, ये पानी के अंदर चला जाता है सर। भारत के पास कई तरह के कमांडो है, जैसे आर्मी के पास NSG कमांडो है सब, और पारा कमांडो है सब, एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो है सब, और नेवी के पास मार्कोप्स कमांडो है सब। ये पानी में, ठंड में, जंगल में, गुरिल्ला लड़ाई में पूरे मजे खिलाड़ी होते हैं सब। ये पानी में से कब निकलता है सब पते नहीं चलता है। अब चाइनीज सैनिकों को यहाँ ड्यूटी करने में डर लग रहा है कि पानी तो शांत है, और कब इस पानी शांत पानी में से ये भूत निकलेगा सब, कोई ठीक नहीं है, भूत बना के चला जाएगा सब। ये मार्कोप्स वालों को अब चाइनीज परेशान है सब वहाँ से, अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए ना हो तो बढ़िया से भी समझाएंगे तो हमारा के बार बार 1962 समझ के बैठल है। चाइनीज बार बार गलती करते थे सब, घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है, तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहाँ पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया, और कहा कि ओनिए रहना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं लोग इधर, बाबूजी तो रहे यहाँ पे, धुन देगा सब यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जा वापस जा, बहुत अच्छा काम किया। और अगर भारत ने ये काम पहले किया रहता तो इन आज कुत्तों को ये हिम्मत नहीं हुई रहती कि भारत में घुस के कहते सब कि ये चाइना के एरिया है। खैर कोई बात नहीं, देर से सही लेकिन जागे तो सही। तो भारत को सोचता है कि अब जितने भी पाकिस्तान और चाइना वाले बॉर्डर है, अब तो नेपाल वाले बॉर्डर के साथ भी फेंसिंग कर दो सर, ना तो ये सब बार बार कोसते रहेगा सब कि हमारा एरिया है, हमारा एरिया है। चाइना ने भारत को डराने के लिए मिसाइलों का तांडव दिखाने लगा, उसने भारत के सीमा पर मिसाइलें लगा दी यहाँ पे, और बताया कि ये भाई बहुत खतरनाक मिसाइल है, इससे एयर डिफेंस हो जाएगा, हिंदुस्तान की जहाज कुछ नहीं कर पाएगी। तब तक इसरो के सैटेलाइट ने ऊपर से इमेज कैप्चर किया तो पता चल गया भाई इसके पास जो है ना, ये इसके पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये इंफ्रारेड अपर्चर पर काम करता है। इसने पकड़ लिया कि भाई इसके अंदर तो खोखला है,
तब पता चला अरे भाई साहब ये डरवाने के लिए नकली मिसाइल लगाया था, अब तो चीन का छींचा लेदर हो गया। अरे भाई साहब तू नकली मिसाइल लगाया, अब तू असली भी लगाएगा तो कोई नहीं डरने वाला है। चीन अपनी सेना को गरिया रहा है कि रे चोटा कहीं का नकलिक्का के बीच में कुछ कुछ असलियों तो रखला रहता, तूने पूरा का पूरा नकली सजा के रख दिया। वैसे भी आपको जानते हैं चाइनीज सामान आधा तो नकली होता है, सोचा पेंट पॉलिश करके ओकरे बना देना रहता है। तो इसरो को भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बेचारा पगला है पगला दे दीजिए। चीन को लग रहा था कि ओली साहब उसका बहुत बड़ा साथ देंगे, ओलियो साहब अब क्या करेंगे भाई, नवंबर में हमारे थल सेना प्रमुख कहाँ जा रहे हैं नेपाल में। और विडंबना देखिए, ये जो भारत को मतलब युद्ध की सपना देख रहे थे, इन्हीं के देश में हमारे थल सेना प्रमुख नरवणे साहब जाएंगे और उनको यही नेपाल के लोग इज्जत के तौर पर नेपाल के सेना प्रमुख की उपाधि देंगे कि आप नेपाल के भी सेना प्रमुख हैं और भारत के भी सेना प्रमुख हैं। ये परंपरा भारत और नेपाल में बहुत पहले से आ रही है, ये दादाजी जो हैं वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके हम लोग को मत लड़वाइए आप अपनी चक्कर में यहाँ पर, और हम लोग भी नेपाल के जो सेना प्रमुख होते हैं थापा साहब, इन लोग को हम लोग भी ऑनररी इज्जत के रूप में देते हैं कि आप भी भारत के सेना प्रमुख हैं। यानी इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पर लगा हुआ है। हद है भाई साहब, ये गजब है। इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था हमारे यहाँ, एक टोइसी को मामा थे, नाम था उनका कंस मामा, आपको तो पते होगा। अब चाइना ना भारत को घेरने के लिए सोच रहा था, तो सोचा इधर से नेपाल को खड़ा कर दे, इधर से पाकिस्तान को खड़ा कर दे, तो टू पर हम इधर से इधर अपने घेरेंगे। तीन ओर से घेरने के लिए सोच रहा था, नेपाल घुस गया आर्मेनिया की लड़ाई में, तुर्की की गुलामी में, तब तक पाकिस्तान चला गया उधर, तब तक पाकिस्तान के देख रहे बाजवा साहब, इनको तो भाई सपना प्रधानमंत्री का है, ये पाकिस्तान में कारमंडल बचा दिया, सिंध प्रांत के कमिश्नर को उठवा लिया यहाँ पर, और इमरान खान के खिलाफ भयानक प्रदर्शन हो रहा है। ये भाई कि मतलब शादी तो इनका टूटते रहता है, गद्दी छूटने वाली है, शादी तो छूटी है गया, क्या दिक्कत, शादी तो कभी हो कर लेते हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं, अब ये देखियो के रख ले होगा एगो एक्स्ट्रा में, तो यहाँ समझ रहे हैं, तो इनकी सरकार जाने वाली है। तो ये पाकिस्तान अपने में बेचारा उलझ गया है, नेपाल यहाँ पे भी अब कुछ खास नहीं है, तो चाइना को लगा कि नहीं बांग्लादेश और म्यांमार को अपनी ओर खींचो, क्योंकि ये तो दोनों हाथ से गए भैया, यहाँ पे तो चले गए, यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बांग्लादेश और किसको खींचने के लिए इन लोगों ने फिराक में लग गए, म्यांमार को। अब चीन के जो राष्ट्रपति थे बड़ी पोल्हा पोल्हा के फुसला के शेख हसीना को अपने फेवर में लिए और कहे कि हमको एक बंदरगाह चाहिए, हमको दे दीजिए वो बंदरगाह, हम बनाएंगे उसको, और बनाने के लिए हम आपको कर्जा देंगे, कर्जा लेके बनाइएगा। तो मोदी जी बुलाए चुपे से शेख हसीना को, रे इधर आओ इधर, पगली कहीं की काहे लिए जा रही है उधर चाइना में, फंसा देगा तोरा कर्जा दे के, ओका बंदरगाह ले लेगा, देख रही है श्रीलंका का हाल हुआ। मोदी जी तुरंत इसको समझा दिए, तुरंत समझ गई, हाँ जी मोदी जी ठीक है कर, फोन करके शी जिनपिंग को कही जा भगो यहाँ पे ब्रेकअप, जाओ तुम्हारा बंदरगाह नहीं लेंगे हम यहाँ पर। अब बंदरगाह का प्लान को कैंसिल कर दिया, कहा कि बंदरगाह ना देंगे हम। अब सोचिए अगर यहाँ चीन बंदरगाह ले लेता, और चीन जो होता है इतना खचरा होता है, वो कहेगा कि भैया हमको ब्याज दीजिए हर साल। अब चीन पता है चीन को कि बांग्लादेश छोटा देश है, ब्याज चुका नहीं पाएगा, कर्जा नहीं दे पाएगा, तो फिर कहेंगे बंदरगाह मेरा, और जब बंदरगाह उसका हो जाएगा तो यहाँ ले आकर सेना रख देगा, जैसे श्रीलंका में किया, यहाँ पर यही किया। तो शेख हसीना भगा दी, घटो मोदी जी हमको सब समझा दिए, मोदी जी बहुत होशियार है। अब मोदी जी को भी देखिए, मोदी जी को लग गया कि हमारा तो कोरोना में इकोनॉमी चौपट हो रहा है, हम तो खुदे माइनस में जा रहे हैं, उनका कैसे बचाएंगे। तो मोदी जी ने जिनपिंग या जापान को आगे कर दिया, कहा कि जापान को तुम बनाओ बंदरगाह, तो एक और बंदरगाह जापान को दिला दिया गया, और जापान फिराक में जो बांग्लादेश का सोनाडिया जो बंदरगाह है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की भारत और जापान मिलकर। अब चाइना का मुंह लटक गया कि सचरा कहीं का, नेपाल भी गया, पाकिस्तान भी गया, बांग्लादेश को, अब वो सोचा म्यांमार को अपने फेवर में लिया जाए, क्योंकि भारत और म्यांमार को अगर खरमंडल मचा देंगे तो पूर्वोत्तर राज्य का विकास रुक जाएगा। तो ये क्या किया, म्यांमार की जो सबसे प्रमुख लीडर है आंग सान सू की को अपने बात में उलझाया, इस शी जिनपिंग यहाँ का हमारे फेवर में आ जा। मोदी जी फिर उठा कहेंगे आंग सान सू की हमारी बात में, हम तो समझाते हैं, मोदी जी महिला उला को बड़ी अच्छा से समझा लेते हैं। वो ओली जो है ना नेपाल वाला पुरुष है ना, तो मोदी जी ओकरो समझा दे रहते, वो भी मान गया रहता, महिला उला को समझा लेते हैं मोदी जी बहुत होशियार है। कहेंगे पगली कहेंगी कौन जी चाइना के फेवर में जा रही है, चाइना ना इसको पनडुब्बी देने के लिए कर रहा था। तो मोदी जी को लगा कि सोचा पनडुब्बी देगा तो फिर हथियार भी देगा, पनडुब्बियाँ खाली थोड़े चलाएगा, उसमें टॉर्पीडो मिसाइल उसे लगेगा कि नहीं। तो मोदी जी समझा दिए कि हमसे ले ले, हमसे तुम भाड़ा पे ले ले। तो हद है मोदी जी को, देखो
भाड़ा पे पंडुबी बेच दिया आदमी, गजब। हम पिछले 2 महीना से चिल्ला रहे हैं मोदी जी EMI पे ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए वियतनाम को, वियतनाम को। अब वो भी जवान सुन लेंगे, हमारा बहुत बात ही मान लिए हैं, कुछ कुछ बतिया नहीं माने हैं। तो भाड़ा पे दे दिए, अच्छा काम किए कि नहीं किए? बहुत अच्छा काम किए मोदी जी, भाड़ा पे पंडुबी दे दिए। यो सोच रहा होगा कि हद है भाई साहब, दुश्मनी ऐसे निकाला जाता है, भाड़ा पे हथियार दे दिए। आई पंडुबी बड़ी खतरनाक है, इसका नाम है INS सिंधुवीर है। ये 300 मीटर नीचे जा सकती है, सोचिए इतना नीचे चली जाएगी कि किसी चीज़ की पकड़ में ही नहीं आएगी। और इसकी स्पीड लगभग 18 नॉट रहेगी, मतलब लगभग लगभग मान के चलिए 30 किलोमीटर 30 के स्पीड से चलेगी। तो पानी के अंदर 30 का स्पीड बहुत होता है, और ये 45 दिन तक अंदर ही रह सकती है, इतना खतरनाक है ये पनडुब्बी। और ये अंदर अंदर मिसाइल मार सकती है, देखिए पानी के अंदर मिसाइल मार देगी। जो सोच रहे हैं आप, अब भारत में किसको भाड़ा पे दे दिया? म्यांमार को दे दिया। तो भाड़ा पे दिया है तो पैसा भी आएगा। अब भाई मिसाइलवा भारत से ना खरीदेगा, इसको दूसर का मिसाइल में लगबे नहीं करेगा। अब आपको आप कहेंगे दूसरा का चीज़ दूसर में लगेगा, यहाँ पे अब मान लीजिए इसे आईफोन का मोबाइल लेते हैं, मैं कहिएगा सैमसंग का चार्जर घुसे, घुसबे नहीं करेगा भाई, जिसका लिए है उसी का ना चलेगा। इसमें मिसाइल के अलावे इसमें तारपीडो भी लगाए जाएंगे। भाई तारपीडो किसे कहते हैं? मिसाइल तो बाहर निकल के मारती है, तारपीडो पनडुब्बी के अंदर अंदर मार देती है, अंदर ही अंदर जाके दूसरे जहाज का पेंदी फोड़ देती है, डूब जाता है। तो म्यांमार को ये भी दे दिया गया। पनडुब्बियाँ जो होती है ना पेरिस्कोप की मदद से बाहर देख लेती है सर, जैसे ये दिख रहे हैं पनडुब्बी के अंदर का, ये पेरिस्कोप से भाई देख रहा है, ये पेरिस्कोप थोड़ा सा बाहर निकला रहता है और बाहर से देख के दुश्मन की जहाज़ों पर निशाना लगाकर और तारपीडो से हमला कर दिया जाता है। इसका सबसे भयानक उपयोग किया था द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने, अमेरिका की तो ज्यादातर जहाजों को ध्वस्त कर दिया था। इतना भयानक ध्वस्त किया था कि अमेरिका ने आदेश दिया था कि सारी जहाज एक ग्रुप में चले सब, नहीं तो मार के गिरा दे रहा है। तो अब वो ग्रुप में खोज खोज के मार के गिरा देता था कि कौन मेन जहाज है, जर्मनी मार के गिरा देता था। तो पनडुब्बियों को हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी खराबी क्या होती है? इसमें जगह बहुत कम होता है, देखिए कितना कंजस्टेड है। ये हरा रंग का देख रहे ना, ये मिसाइल है, यही तारपीडो है, पानी के अंदर चलता है, ये भी तारपीडो है, ये सब तारपीडो है, उसके बीच में खाली जगह है, भाई लोग योगा कर रहे हैं, जरूरी है आप लोग स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं। आप देखेंगे कितना कंजस्टेड एरिया रहता है, इसमें बेचारे सोए रहते हैं सब फौजी, यहाँ पे इतना कंजस्टेड एरिया में पनडुब्बी में सोए रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर ये सब देख रहे हैं ऑपरेशन थिएटर है। इसी पर अगर किसी फौजी की तबीयत खराब होती है तो इसी पर भी लेटा कर उसे मतलब ऑपरेशन वगैरह जो भी करना होता करते हैं, उसी पर ये लोग खाना खाते हैं, इतना कंजस्टेड जगह होता है। अतः इसको बनाना बहुत कंजस्टेड होता है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो भारत फ्रांस के मदद से भी अभी और कई ठो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को बना रहा है। हालांकि जब पनडुब्बी का अलग से वीडियो बताएंगे तो उसमें बताएंगे किलो क्लास की पनडुब्बी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में क्या अंतर होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए कितना कंजस्टेड रहेगा, आगे तारपीडो रहेगा, इधर से मिसाइल रहते हैं, इसके कई कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, बहुत ही कंजस्टेड रहता है, पीछे प्रोपेलर होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है। तो भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है। अब भारत के पास एक ये भी तो मौका है कि दूसरे देशों को भी अब भारत पनडुब्बियों को बेच सकता है, लीज पर भी दे सकता है, ताकि चाइना के दुश्मनों को समझ में आए। तो भारत को ये सब काम और भी करना चाहिए आसियान देशों के साथ, खास करके फिलीपींस, सिंगापुर या फिर वियतनाम, ताइवान के साथ भी ऐसे डील्स को करना चाहिए। ये तो भारत के पक्ष में रहा। अब चाइना परेशान है कि ससुर हम गलवान में क्या घुसे ही, तो हमारा इंडिया वाला सब पूरा एशिया दौरा दौरा हमसे दुश्मनी ले रहा है सर। तो चाइना को भी सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन चाइना ने एक खतरनाक गेम खेल दिया आसियान में। उसने वहाँ पर कंबोडिया के नीचे एक युद्ध के लिए एक तत्कालिक नौसेना का बेस ले लिया है, लेकिन भारत के पास की भी उसका काट है। इसको हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस जो नेवल बेस लिया गया है उसका भारत किस तरह से काउंटर कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।